टेल किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचना कैसे बंद करें। एक शिष्य जो है गुरु के पास गया और उसने गुरु को कहा कि गुरु जी, मुझे जो है आप जो है अपनी सिद्धि दे दे, इसके लिए जो भी आप कहेंगे मैं करूँगा। तो गुरु ने कहा ठीक है, मेरे साथ बैठो, तपस्या करो, 2 साल की तपस्या है, 2 साल तपस्या करो, उसके बाद फिर तुम्हें जो है गुरु मंत्र देंगे, फिर तुम्हारे अंदर सिद्धि आएगी। शिष्य तैयार हो गया, 2 साल की साधना करी। 2 साल की साधना के बाद शिष्य जो है बड़ा उतावला था, वो चाहता था कि उसको जो है वो सिद्धि मिल जाए, इसलिए वो साधना भी कर रहा था। साधना से उसको क्या लेने देना, उसको तो सिद्धि चाहिए थी। तो खैर, गुरु ने कहा कि ठीक है, कल सुबह 4 बजे मैं तुम्हें वो गुरु मंत्र दूंगा जिससे जो है वो सिद्धि जो है तुम्हें मिल जाएगी। कल सुबह 4 बजे तुम मेरी गुफा में आ जाना। शिष्य जो है ठीक 4 बजे जो है गुरु की गुफा में पहुंच गया गुरु मंत्र के लिए। गुरु ने उसके कान में गुरु मंत्र बोला और साथ में एक बात बोली, देखो अब घर जाके इसको 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना और ये सिद्धि जो है तुम्हारे साथ घट जाएगी। तो बस शिष्य ने सुना और भागने लगा, फटाफट जाके उसको सिद्धि चाहिए थी। लेकिन गुरु ने कहा कि अरे अरे रुक रुक रुक, एक शर्त है, उस शर्त के बिना ये पूरा नहीं होगा। तो शिष्य ने कहा हाँ बताइए क्या शर्त है। तो गुरु ने कहा कि देख, जब तू इस मंत्र का उच्चारण कर रहा होगा ना, बंदर के बारे में मत सोचियो, बस एक ही शर्त। शिष्य ने कहा बंदर के बारे में? मैंने आज तक बंदर के बारे में नहीं सोचा, मैं क्यों सोचूंगा बंदर के बारे में। तो एनीवेज, वो जब वापस जा रहा था उसको बंदर जो है पेड़ों पे दिखने शुरू हो गए, जो आज तक नहीं दिखे थे। और जैसे जैसे वो जा रहा था उसके बंदर जो है उसके ख्यालों में आने शुरू हो गए, और जैसे जैसे जो है वो घर पहुंचा उसका उसको ऐसा लगा जैसे पूरा घर उसका जो है बंदरों से भर गया। उसने स्नान करा, अपने आप को तैयारी करी, पूरा अपना पाठ करा, उसके बाद फिर वो बैठा उस सिद्धि के मंत्र के लिए। और जब वो उसने मंत्र को उच्चारण करना शुरू किया तो बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर, हर जगह पे बंदर ही बंदर। वो बड़ा हैरान हुआ कि अच्छा, इस मंत्र के साथ कुछ प्रॉब्लम है लगता, मतलब इसका यही चैलेंज है कि बंदर के बाद बंदर जो है प्रकट हो जाते हैं हमारे सामने, यही चैलेंज है। वो पूरी रात लगा रहा कि किसी तरह से जो है ना ये बंदर जो है उसका उसका जो है ख्याल छोड़ दे, उसका जितनी वो कोशिश करे उतने बंदर जो है उसके सामने प्रकट हो। तो अगले दिन जो है वो इतना थका हारा जो है गुरु के पास गया। तो गुरु ने कहा कि आपने मेरे को अच्छा मंत्र दिया, आज तक मैंने बंदरों के बारे में नहीं सोचा था और अब बंदर ही बंदर जो है मेरे सामने प्रकट हो रखे हैं, ये क्या किया आपने। तो कहानी का मरम ये है, जो पटेल का जो प्रश्न है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचना कैसे बंद करें। जब तक सोचना बंद करने की कोशिश करोगे वही व्यक्ति जो है बार बार प्रकट होगा, वही दिखेगा, क्योंकि तुम जाने अनजाने जो है अपनी ऊर्जा जो है उसको दे रहे हो, जाने अनजाने जो है तुम उसको जो है अपने भीतर जो है प्रवेश दे रहे हो। जब कोई व्यक्ति जो है, जब तुम्हें नहीं सोचना होता तब तुम नहीं सोचते, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना करते हो अपने साथ। लेकिन जब तुम जबरदस्ती अपने आप को कहते हो कि नहीं, मैं इस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना चाहता, फिर तुम उसी व्यक्ति के बारे में सोचोगे। मन के नियम को समझो,
मन का नियम है कि अगर तुम जो है किसी व्यक्ति को जो है अवॉइड करना चाहते हो, तो उस अवॉइडेंस के अंदर ही वो व्यक्ति जो है अवॉइड नहीं हो पाता। जब कोई काम जो है तुम अपने अपना जो है कुछ कर लेना चाहते हो, तो उसके प्रति जो है अपनी ऊर्जा को जो है मुक्त करना है। तो किस अब जैसे तुम्हारा प्रश्न है उस व्यक्ति के प्रति, कि उस व्यक्ति से जो है तुम नहीं सोचना चाहते उसके बारे में, वहां पे उसको रहने दो। अब तुम उसके साथ लड़ो मत, अब उसके साथ कोई जबरदस्ती मत करो। वक्त आएगा जब चीजें जो हैं अपने आप ही जो हैं बहुत रिलैक्स हो जाएंगी और वो व्यक्ति चुपचाप तुम्हारे अंदर से चला जाएगा, फिर वो थॉट भी नहीं रहेगा। तो चीजों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, ऊर्जा को आयाम दे सकते हो, थॉट भी एक ऊर्जा है, उसके साथ तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जब तुम ट्रांसफॉर्म करने की कला सीख जाते हो, तो फिर बंदर का ख्याल भी नहीं आएगा।